कनाडा का सबसे बड़ा प्रांत ही पीओके की तरह आजादी की जंग लड़ रहा हो। भारत का कनाडा के 40 के करीब सफारतकारों को निकालने का फैसला। कैनेडियन हुकूमत को अमला बुलाने के लिए 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। जस्टिन ट्रूडो के गुब्बारे से हवा निकल चुकी थी, बल्कि अब वो तो मेरे ख्याल में अगला इलेक्शन भी नहीं जीत सकेगा। लेकिन दिस हैज प्रूवन कि इफ योर इकॉनमी इज स्ट्रांग, यू आर स्ट्रांग। क्या ने अभी स्टेटमेंट इस टाइम में दी है, डिप्लोमेटिक वे में उन्होंने बात किया कि भाई कनाडा सॉरी करे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े कंट्रीज जो उनसे हैं वो इंडिया के साथ खड़े हैं और कनाडा इस टाइम परेशानी के आलम में नजर आ रहा है। कनाडा वाले सोचते हैं अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री, हमारे कंट्री का वीजा बंद कर दे, ऊपर से हम FATF में चले गए सर, हमने वहां पे अब इनको माफी ही मांगनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। कनाडा बेसिकली आबाद ही इंडियंस ने किया हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं और उनको वो वोट भी कास्ट करते हैं, तो वो जो इंडियंस हैं वो अपने मुल्क के। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, कनाडा ने भारत के साथ एक अलग जंग छेड़ दी थी और जिसके बाद से कनाडा को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था। पूरी दुनिया में सभी देश भारत के साथ आगे थे और कनाडा एकदम अकेला पड़ गया था। लेकिन दोस्तों अब कनाडा की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि कनाडा में प्रोटेस्ट जारी हो गए हैं और वहाँ पर एक प्रोविंस में कनाडा से अलग होने की मांग उठ रही है। जैसे कि POK जो भारत पाकिस्तान से लेगा, उसी प्रकार से कनाडा में वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और कनाडा से अलग देश बनने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों इसी पर अब ट्रूडो जो है वो काफी ज्यादा चिंताजनक हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत उनका साथ दे देगा, उन्हें फंड कर देगा, तो उनके देश के टुकड़े हो जाएंगे। और इसी वजह से अब कनाडा के ट्रूडो जो वो घुटनों पर आ गए हैं और उन्होंने भारत से माफी मांगी और कहा कि मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था। दोस्तों आज की हमारी वीडियो भी इसी टॉपिक पर होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों बने किसी देर के वीडियो को स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डॉक्टर साहब, थोड़ा कनाडा पे मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ। क्या देखते हैं, ऐसे लगता है जिसे वो साढ़े पंजाबी कहते हैं झग बह गई है, देर इज़ नथिंग न्यू विच इज़ कमिंग। और हर बंदा यही कह रहा है कि जो वेस्ट है वो एक्सपोज हो गया है बिकॉज ऑफ कनाडा, और इंडिया ने जो असर्ट किया है उसकी जो असर्शन है उसको अमेरिकन्स ने ओन कर लिया है। अमेरिकन्स इंडिया के साथ जो है वो प्राइवेट में बात करना चाहते हैं, पब्लिक में नहीं करना चाहते। ये जो अभी जयशंकर को इतने ज़्यादा सवालात किए गए अमेरिका के अंदर, कुछ खास निकला नहीं है, या अमेरिकन प्रेस बड़ी साइलेंट है? अमेरिकन प्रेस नॉर्मली बड़ा बोलती है, लेकिन अमेरिकन प्रेस में लगता है कोई तिड़ छिड़ नहीं रही, वरना जिस तरह वो सऊदी अरब के खिलाफ उठे थे, एक महाज लग गया था जी, वो फला बंदा कत्ल हो गया जी, ये हो गया, तो लेकिन अमेरिकन प्रेस क्या आप समझते हैं कॉम्प्रोमाइज हो गई है, या वो इंडिया वो और अमेरिका के ताल्लुकात इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि वो अब बैशिंग भी नहीं हो सकती? कनाडा तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको कैसे देखेंगे? चीमा साहब, मेरे ख्याल में जिस तरह मैं पहले आपको अर्ज कर चुका हूँ, आप कंट्री अपने मुफाद के बेस पे चीजें करते और जर्नलिज्म खत्म हो चुका है, ये मीडिया एंटरप्राइज है, वो भी सिर्फ अटैच है विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो उसमें आके आपने बिल्कुल सही कंपैरिजन किया है कि अदनान खशोगी के केस को जिस तरीके से इन्होंने अपना ह्यूमन राइट्स का एक इशू बनाया था, इसको बिल्कुल टच ही नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसे ही बात है जिस तरह 6 जनवरी का तो इन्होंने इनकलाब का करके तो रिपब्लिकनों को उड़ा दिया है, लेकिन जब ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा ने व्हाइट हाउस पर अटैक किया था तो कोई अरेस्ट ही नहीं हुई। इस वक्त रोजाना लूटते हैं, कभी एप्पल स्टोर्स को कुछ कुछ करते हैं, अगर पुलिस किसी को पकड़ते हैं तो पुलिस वाले को फौरन फायर कर दिया जाता है, पुलिस को उसके ऊपर केस बना दिया, बिल्कुल उसी तरह ये भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मैं कनाडा के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, जस्टिन ट्रूडो डर गए हैं, उन्होंने स्टेटमेंटें ऐसी अब देनी शुरू कर दी है कि अपने बैकफुट पे है। दूसरा, मैं आपको एक और चीज शुरू में ये कहता था कि चीमा साहब कोई दूसरी खबर आएगी तो इसके बाद ये दब जाएगी, खत्म हो जाएगी, और दूसरी खबर आ गई थी वो 98 साल का जो उन्होंने योगोस्लावियन सिटीजन जिसको उन्होंने बुला के अपने अपने ईवान के अंदर तो क्लैपिंग की थी और बाद में उस पर स्पीकर को रिजाइन देना पड़ा, उनका पहला केस खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि वी आर नॉट सीरियस, हम अपना होमवर्क नहीं करते, हम वो बिल्कुल केस झूठा नजर आना शुरू हो गया था जो वो निजर साहब का था। दूसरा, ऐसी स्टेटमेंटें आई कि भारत ने ये प्रूव कर दिया था कि निजर इज ही वॉज एन एसेट टू द इंटेलिजेंस, और उसके लड़के की भी कुछ स्टेटमेंट निकल आई थी कि मेरा बाप जो है वो कनेडियन इंटेलिजेंस के लोगों को हफ्ते में 2-2 दफा मिलता था। तो ऐसी चीजों से आके सारी चीजें पोल्यूट हो चुकी थी, जस्टिन ट्रूडो के गुब्बारे से हवा निकल चुकी थी, बल्कि अब वो तो मेरे ख्याल में अगला इलेक्शन भी नहीं जीत सकेगा। लेकिन दिस हैज प्रूवन कि इफ योर इकॉनमी इज स्ट्रांग, यू आर स्ट्रांग।
ये बात अब बातों से नहीं है, करेंसी करेंसी और आपकी मार्केट में प्रेजेंस पे डिपेंड करता है। और जस्टिन ट्रूडो को भी कहना पड़ा कि भारत इज ए पांचवी बड़ी इकॉनमी है, और उनकी जो इस वक्त यूक्रेन के हवाले से जो उन्होंने साउथ चाइना की उन्होंने इम्पोर्टेंस से बात की है, उसमें भी उन्होंने कहा कि दर हकीकत उन्होंने यही कहा कि अमेरिका को जरूरत है इंडिया की, और उसके बाद वी आर नो वेयर, यू आर। वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ना बहुत गलत काम किया है, कोई भी काम होता है देखें उनकी, मतलब हमारी पुलिस तो इंडिया की पुलिस मतलब हमारी तो इतनी तफ्तीश अच्छी नहीं करते जितने उनके अदारे अच्छे हैं। अच्छा। भाई किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचें कि समझ के बात कर रहे हैं। उसने कनाडा प्राइम मिनिस्टर ने पहले गलत काम किया कि उनका उनके सफारतकार को बाहर निकाल दिया, ठीक है, गलत काम किया। अभी जब इंडिया से कनाडा के लोग कमा रहे हैं, इंडियन इतने लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कनाडा में जाए, और कनाडा में काफ़ी सिख कम्युनिटी है, ठीक है, और जितने भी सिख हैं जो मतलब है कि उसको उग्रवादी इंडिया वाले कहेंगे, जितने भी मतलब है कि जो खालिस्तान की तहरीक वाले हैं, सारे कनाडा में जाके पनाह लेते हैं, ठीक है, और किसी मुल्क में नहीं लेते। अगर उसको अब किसी ने मार दिया है, किसी अपने ने मार दिया है, किसी ने मार दिया है, तो इसमें इंडिया का किधर से हाथ आ गया, ठीक है। ऐसे तो जो भी मरेगा आपको, जिस तरह आप शोर मचाया जा रहा है, ये इंडिया भाई, इंडिया तो इस टाइम तरक्की कर रहा है, इंडिया को इन चक्रों में नहीं पड़ा हुआ क्योंकि लोगों के साथ लड़े और एक दो बंद। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की क्या सिचुएशन हो चुकी है। वे अब न घर के रहे हैं न घाट के, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर पहले उनके देश में उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है, उनकी असेंबली में उनके सारे विपक्षी नेता, यहाँ की जो उनकी सरकार के नेता भी हैं वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इसी के साथ अब तो दोस्तों उनकी पॉपुलरिटी अपने देश में काफ़ी कम हो चुकी है, और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन में वे इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। और दूसरी तरफ अब नया मुद्दा छिड़ चुका है कनाडा में दो पार्ट होने का, जिसकी वजह से जो है ट्रूडो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अब टेंशन में आ चुके हैं। अगर भारत उन लोगों का साथ देगा तो कनाडा के दो टुकड़े हो सकेंगे। इसी वजह से अब कनाडा जो है भारत को मनाने के पीछे लगा हुआ है, और भारत के साथ जो है वो अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो भी इसी टॉपिक पर थी, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड बाय।